So hey guys, I am Hamza and you're watching Techno Hamza. So today I'll show you how to customize your phone like a pro. यानी अपने फोन को किस तरह आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी सजा दजा सकते हैं उसे, जिसे अपने आप को खुद करते हैं आप सजा दजा के रखते हैं, तो उसे किस तरह हम कपड़े बना सकते हैं, किस तरह उसमें नए नए थीम्स यानी लॉन्चर्स थीम्स वॉलपेपर ला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इसी तरह की टिप्स आपके फ़ोन के लिए जो बहुत ही यूजफुल होगी आपके फ़ोन के लिए। तो वीडियो में बनी रहिए एंड तक, अपने फ़ोन को पहनाइए न्यू न्यू कपड़े। टेक्नो हमज़ा की तरफ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो लेट्स बात करता हूँ लॉन्चर्स की। तो लॉन्चर्स जो होते हैं हमारे फ़ोन को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज एंड न्यू बना देते हैं। सो बहुत सारी आपको बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ देखने मिलेगी, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपके लिए कुछ लॉन्चर्स लाया जिसे आप देख सकते हैं और फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन को न्यू बनाने के लिए। सो देखते हैं इस लॉन्चर्स को। सो गाइस, ये जो ऐप है KLWP, यह आपको फ़ोन को बहुत ज़्यादा मॉडिफाइजेशन के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ आपको बहुत से अमेजिंग वॉलपेपर्स मिल जाएंगे और लॉन्चर्स का काम तो ये करता ही है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ आपको मिल जाएगी जो आपके फ़ोन को बेहतर और बेहतर बना सकती है। तो इसे आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन को अमेजिंग बना सकते हैं और उसमें बहुत सी चीज़ें लगा सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद। तो गाइस बात करता हूँ सेकेंड लॉन्चर जो बहुत ही अमेजिंग है। यह आप अपने फ़ोन में अगर लगा लेंगे तो आपको फ़ोन का जो आकार है वो बहुत ही चेंज हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, ये एप्पल की जो वॉच है उस तरह ये लगती है। तो यह आपको यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में और उसे मॉडिफाई यानी अमेजिंग बना सकते हैं इस ऐप को यूज़ करने के बाद, और इससे आपका फ़ोन जो बहुत ही चेंज हो जाएगा और बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। तो आप इसे कर सकते हैं। तो बस थर्ड जो लॉन्चर है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे आपके पास कोई पुराना फ़ोन है तो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उस फ़ोन को नया बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सी मॉडिफाइजेशन के ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं, मगर बहुत ही सिंपल इसका जो इंटरफेस है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में डायरेक्ट। इसके बाद जो बात करता हूँ मैं वॉलपेपर्स की, जो आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूनिक बना देता है। लाइक वॉलपेपर में आपको बहुत सी चीज़ मिल जाएगी, बहुत से ऐप आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर पर, यानी 3D वॉलपेपर्स, यानी बहुत से अमेजिंग वॉलपेपर आपको मिल जाएंगे। तो मैंने कुछ लिस्ट में अपने वॉलपेपर्स को शामिल किया है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। तो देखिए इस वॉलपेपर्स को और अपने फ़ोन में लगाइए। सो गाइस बात करता हूँ वॉलपेपर्स की जो आपके होम स्क्रीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आपके होम स्क्रीन को बहुत ज़्यादा यूनिक बना देता है। तो इसी तरह ये जो ऐप है आपके होम स्क्रीन को बहुत ज़्यादा अमेजिंग और यूनिक बना के रख देता है। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करके अपने होम स्क्रीन के वॉलपेपर को बहुत ही अमेजिंग बना सकते हैं। या आप देख सकते हैं यहाँ आपको बहुत सारी सेटिंग्स और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे वो नाइट मोड हो या डे मोड हो। तो आप इसे खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने होम स्क्रीन को अपने वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, गजब है। सो गाइस 3D वॉलपेपर्स की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग ऐप होगा आपके लिए, आपकी होम स्क्रीन के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग और यूनिक होगा। तो आप इसे डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे होम स्क्रीन पर लगाएंगे तो जो सामने वाला बंदा अगर इसे देख लेगा तो वो कहेगा यार कहाँ से आपने किया इसे। तो आप ये वीडियो से शेयर कर दीजिएगा और ये ऐप आप अपने होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं इस ऐप को। सो गाइस बहुत सी अमेजिंग ऐप देखने के बाद अगर आपको सिंपल वॉलपेपर अगर अपनी स्क्रीन पर लगाना है तो इसे आप देख सकते हैं बहुत ही डिसेंट और यूनिक है। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये हिलता रहेगा आपके फ़ोन में, और इससे आपके फ़ोन की जो इज्जत और आबरू है वो बरकरार रहेगी और बहुत ही अमेजिंग है आपके फ़ोन में देखेगा। तो आप इसे कर सकते हैं अपने फ़ोन में डाउनलोड।